हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आज हम फिर आए हैं आपके सामने और लेकर एक नई रेसिपी और एक यम्मी रेसिपी। तो फ्रेंड्स बताइए क्या बनाने वाले हैं आज हम? आज हम बनाने वाले एक बहुत यम्मी रेसिपी, और ये हमारे तरीके से बनाइएगा, इतना यम्मी होगा कि आप बिल्कुल भुला नहीं पाएंगे इसको। बहुत यम्मी डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए बने रहिए वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाते हैं सिर्फ आपके लिए यम्मी डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स चलें देखते हैं ये यम्मी डिलीशियस रेसिपी कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना यम्मी है, मुँह में पानी आ रहा है ना। तो आज हम बनाएंगे स्पाइसी स्पेशल दही आलू। यस, आपने ठीक सुना, दही आलू, वो भी स्पाइसी और स्पेशल। देखिए कितना स्पेशल है और कितना यमी है, आप देख सकते हैं, ऑसम है ना। और साथ में पूड़ियां हो जाए तो क्या बात है। तो फ्रेंड्स बना लेते हैं हम ये यमी डिलीशियस दही आलू। हमारी तरह से दही आलू बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे फ्रेंड्स, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। तो ऐसे ही बनाइएगा, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसी तरह से दही आलू बनाइए और साथ में पूड़ियां जरूर बनाइएगा, उसके साथ ये बहुत यम्मी लगता है। तो मैजिक किचन हमेशा लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए मैजिकल रेसिपीज, स्वाद का जादू जगाने के लिए बने रहें शेफ कृष्णा के साथ। फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। तो चले फ्रेंड्स, हमने ले लिया है कढ़ाई और उसमें ले लिया है घी। सो ये देसी घी में बनाएंगे हम, और ये आलू हमने बॉईल करके रखा था, अब इसे हमें करना है फ्राई। तो ये देसी घी में अच्छे से फ्राई करने हैं हमें। तो इसको गोल्डन फ्राई करना है हमें। ये हमने चार आलू लिए हैं, इसको हम बिल्कुल गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से क्रस्ट हो जाता है तो ये अच्छा टेस्ट देता है। तो फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए हम बना लेते हैं मसाला। ये हमने ले लिया टर्मरिक पाउडर, हम लेंगे ये रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक लिया, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ले लेंगे देगी मिर्च जो अच्छा सा कलर देता है इसको, और लेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च लिया हमने, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और भुना मसाला ले लिया 1 टीस्पून। मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से, पानी ऐड करेंगे और एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि लम्स ना हो। तो देखिए मसाला हमारा बनके रेडी, और कितना यमी लग रहा है ना। मसाले को ऐसे मिलाया कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा और यमी टेस्टी बन जाता है। देखिए ये आलू भी हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छे से क्रस्ट, मोटा क्रस्ट बन चुका है इसका। तो ये तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे, निकाल देते हैं हम सारे आलूओं को जो हमने फ्राई किए हैं। तो हम यहाँ पे चार आलूओं से तैयार कर रहे हैं ये चार लोगों के लिए। अगेन हम ले लेते हैं घी, तो ये घी को मेल्ट करके जरूर यूज करें। ऐड कर देंगे हम वे लीव्स, ऐड कर देंगे रेड चिली, ये ड्राई रेड चिली दो हमने ऐड की है, दो ही वे लीव्स ऐड किया है, और फ्लेम को हमने लो रखा है, हाई फ्लेम पे घी जल जाता है। ऐड करेंगे 4 से 5 काली मिर्च। नाउ ऐड करेंगे मस्टर्ड, तो मस्टर्ड सीड्स हमने ऐड करना है, ये हमने 2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड किया है। और ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसमें चटकने देंगे इनको। ऐड करेंगे जिंजर और ग्रीन चिली, 1 इंच टुकड़ा जिंजर है और 2 ग्रीन चिली हमने चॉप किया उसको ऐड कर दिया। जिंजर और ग्रीन चिली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐड कर देंगे हींग, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून हींग ऐड किया हमने, हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है दही आलू में। ऐड
अभी अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो ये जो मसाला मिक्सचर हमने बनाया था वो ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जिससे ये पूरा मसाला मिक्सचर जो है वो यूज़ हो जाए। तो ये इसको अच्छे से मिक्स करके और इसे भी हम ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया सारे मसाले और अब इसको हमें 2 मिनट के लिए भूनना है, तब तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला अच्छे से भून ना जाए। देखिए 2 मिनट बाद मसाला बहुत अच्छे से भून गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया, बबल्स भी आ रहे हैं अच्छे से। दैट मीन्स ये मसाला अच्छे से भून जाए तो फिर ये ऑयल अच्छे से सेपरेट कर देता है। मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें मिला रहे हैं 1 कप पानी और इसको करेंगे ठंडा और फ्लेम को कर देंगे लो। ऐसा हमने क्यों किया, आपको पता है कि हम मिलाने वाले हैं अब दही। तो ये दही हमने इसमें ऐड कर दिया है जिसको हमने फेंट के रखा था। ये 200 ग्राम दही है और दही ऐड करने के बाद हमें फ्लेम लो ही रखना है और इसको लगातार चलाना है तब तक जब तक कि इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि दही फटे नहीं। जैसे ही एक अच्छा उबाल आ जाता है, देखिए उबाल आ चुका है, तो अब दही के फटने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। ये इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, जब दही वाली आप रेसिपी बना रहे हैं तो दही ऐड करने से पहले थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसके बाद फ्लेम लो कर दें। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली, जो चॉप करके रखी थी वो हमने ऐड कर दी। 1 रेड चिली बड़ी वाली हमने ऐड की है और ये आलू जो हमने फ्राई करके रखा था उसको हमने इस तरह से कट कर दिया, तो इन आलूओं को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए इतने बड़े टुकड़े हमने आलूओं के काटे हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये सारे आलू हमने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए आलू ऐड हो गया है सब और अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी ग्रेवी है ये कितनी थिक है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप, और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। बिकॉज आलू जो है वो रसे को सोक करते हैं। ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छे से आलूओं में उबाल आने देंगे, करी में बहुत अच्छी उबाल आ जाएगी तो ये आलूओं के अंदर मसाला भर जाएगा। ऐड कर देंगे शुगर 1 टीस्पून, मिक्स कर देंगे इसको। देखिए कितना अच्छा उबाल आ गया। अब हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी हाथ से रगड़ कर। ये तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी हमने ऐड किया और अब आप देख सकते हैं इसका कलर और ये बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है इसके अंदर और ये तैयार है। तो ऐड कर देंगे हम कोरिएंडर लीव्स जिसको कि हमने चॉप करके रखा है। देखिए कितना यमी डिलीशियस है ये और ये पूड़ियों के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसको, इतनी थिक आपकी करी होनी चाहिए तभी इसका टेस्ट आएगा। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको अब करेंगे प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स हमारी ये ग्रेवी रेडी है और अब हम इसको करने जा रहे हैं प्लेटिंग। बहुत यम्मी डिलीशियस और साथ में पूड़ियाँ हो तो मज़ा आ जाता है इस दही आलू का। तो प्लेट कर रहे हैं हम, आप देख सकते कितना यम्मी है ये। देखिए कितना यम्मी डिलीशियस है ये दही आलू। तो फ्रेंड्स जल्दी से बना डालिए हमारी तरह ये दही आलू और साथ में बनाइएगा पूड़ियाँ और बताइएगा कैसा बना हमें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लाते हैं आपके लिए यम्मी डिलीशियस रेसिपीज। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।
स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और बनाते रहिएगा मैजिक किचन के साथ मैजिकल रेसिपीज़। बाय बाय ऑल ऑफ यू।